हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य जैन आज आप लोगों के बीच सीए इंटर ग्रुप टू एफएम एंड इको फॉर फाइनेंस का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कराना चाहता हूं। बहुत खुशी की बात है कि इस बार हमारे पेपर 100% कवर्ड हुआ है। और जो हमेशा आपको आपके क्लास में कहता था कि क्वेश्चन पेपर आपको बुक से ही मिलेंगे, आपको कुछ भी मेटेरियल रेफर नहीं करना है, आपको सिर्फ जो मैं आपको मेटेरियल प्रोवाइड करता हूँ उसे आपको कम से कम 3 से 4 बार करना है, 100% आपको मेरे बुक से मिलेगा। और इस बार भी 100% मेरे बुक से आया है। तो थैंक यू सो मच, इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया और इतनी सारी मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास थैंक यू कहने के लिए। तो मैं आप लोगों को पर्सनली थैंक यू नहीं कह पा रहा हूँ कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं उन सारे बच्चों को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने बिलीव किया हमारी क्लास में, जिन्होंने हमारी क्लास के नोट्स, क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट में बिलीव किया। और हमने जो क्लास में आपको स्टॉक मार्केट का प्रैक्टिकल नॉलेज दिया था उसमें भी आपने हमारी क्लास में एक इच्छा जाहिर की, और उस सब का नतीजा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग जिन्होंने एक ग्रुप दिया है और जिन्होंने दो ग्रुप दिया है उनको एफएम काफी मदद करेगा। एफएम आपका काफी स्कोरिंग रहेगा, जैसे फाइनल में बच्चे एफएम के भरोसे पूरा ग्रुप पास कर देते हैं, पूरा उनका रैंक भी आता है, उसी तरह से आपके साथ भी ऐसा होगा। बस आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, एंड दिस मैसेज वॉज अप्रिशिएशन फ्रॉम माई स्टूडेंट कि 100% एग्जाम कवर फ्रॉम योर कॉन्सेप्ट रजिस्टर। सर यू आर रियली गुड, बेस्ट टीचर ऑफ एफएम। सर आई वॉन्ट टू मीट यू फॉर सम फ्यूचर प्लान। थैंक यू सो मच। जोधपुर, जोधपुर सेंटर से हमारे पास मैसेज आया है कि 100% कवर्ड फ्रॉम योर बुक, एफ एंड एन इको टू वॉज वेरी इजी एंड वॉज फ्रॉम योर बुक, एंड डेफिनेटली बहुत खुशी की बात है। जोधपुर सेंटर से, इंदौर सेंटर से हमारे पास मैसेज आया है सर पेपर वॉज गुड। मैं ये सिर्फ 3-4 मैसेज ही सेव कर पाया हूँ, वैसे बहुत सारे मैसेज आए हैं पूरे इंडिया में क्योंकि हमारी क्लासेस चल रही है। और थैंक यू सो मच इंदौर, जोधपुर, कोलकाता, दिल्ली तो है ही हमारा बेस, दिल्ली तो हमारा गढ़ ही है, तो यहाँ के तो सारे बच्चों ने अच्छा किया ही है और साथ साथ पूरे इंडिया के बच्चों ने अच्छा किया है। तो मैंने क्या किया है, मैंने वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया है कि क्वेश्चन पेपर ऑफ बुक और क्वेश्चन पेपर ऑफ एग्जाम मैंने वर्ड टू वर्ड एनालिसिस करके आपको दिखाया है। सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, डिविडेंड, रेशियो एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, इन कैपिटल बजटिंग, लीवरेज, इन सबसे क्वेश्चन आए थे और वो सारे हमारे बुक में थे। तो जो बच्चा अगर हमारे रजिस्टर्स को, हमारे क्लास नोट्स को, हमारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से किया होगा उसको बहुत अच्छा मार्क्स मिला होगा। मैं जस्ट एक आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ और एक क्वेश्चन पेपर ये जो आपका आया था मैं जस्ट एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ। लेट से मैंने ये क्वेश्चन आपको दिखाया कि भैया ये एक वॉल्टर मॉडल का क्वेश्चन है और इसमें आपको प्राइस पूछा है और ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट पूछा है। तो ये सेम क्वेश्चन हमारे रजिस्टर में, ये सेम क्वेश्चन हमारे रजिस्टर में आप पाएंगे। मैं आपको अपना रजिस्टर का भी बुक दिखाता हूँ और आपको मैं अपना रजिस्टर का भी दिखाता हूँ। ये मेरे रजिस्टर का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये देखिए सेम क्वेश्चन है 16B। ठीक है, आप 16B आप देख सकते हैं। देखिए एवरीथिंग इज, अब कुछ हो नहीं सकता क्योंकि बुक ऑलरेडी आपके पास है, तो आप आराम से टैली कर सकते हैं क्योंकि अब मैं बुक्स तो चेंज नहीं कर सकता। तो देखिए इसको कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी, जो कि मैंने कहा था आपको। और आपने अगर मेरे कहने पे आप चले हैं और मेरे नोट्स और मेरे कॉन्सेप्ट्स पे आप बिलीव रखे हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। और देखिएगा इस बार ऑल इंडिया हाईएस्ट एफ एन इको में मेरे स्टूडेंट्स का ही आएगा। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन पे मिलाइए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ देखिए, अर्निंग ऑफ द कंपनी 5 लाख, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%, 60%, वर्ड टू वर्ड से में फिगर थोड़ा चेंज हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 50,000, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15%। व्हाट वुड बी द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल, अगेन क्वेश्चन आया व्हाट वुड बी द मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर वॉल्टर मॉडल। तो वर्ड टू वर्ड सेम है, ऐसे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वर्ड टू वर्ड सेम। मैं आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ दिखाऊं जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन, या अलग कैपिटल बजटिंग, ये कभी फाइनल में आया करता था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को भी मैं आपको अपने रजिस्टर, अपने बुक से आपको मैं मिलवाना चाहता हूं। मैंने सब सेव किया हुआ है, एक एक क्वेश्चन सेव किया हुआ है। ये देखिए ये सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्वेश्चन है,
इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1,20,000, इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट 200 लाख, एनुअल कैश इनफ्लो, प्रोजेक्ट लाइफ आप देख सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और सेम चीज यहां पर भी है, सेम चीज आपको यहां पर भी मिल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि, और ये सब क्वेश्चंस क्लास में भी मैंने कराए हैं, तो आपका पेपर अच्छा नहीं जाने का कोई रीजन नहीं है। अगर आप रिवीजन नहीं कर पाए होंगे तो एक रीजन हो सकता है, बाकी और कोई रीजन नहीं है कि आपका पेपर खराब जाना है। आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा गया होगा, ठीक है। और वो मैसेज से पता चल रहा है, बच्चों के इतने सारे मैसेज आए, हजारों हजारों मैसेज आ रहे हैं, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है संभालना, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा, ठीक है। ये रहा आपका एफएम का पार्ट। अब हम इको के पार्ट में आते हैं। इको में डेफिनेटली छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, इवन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाज फ्रॉम माय बुक। इवन बहुत सारे बच्चे डर रहे थे इको में, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे, ये करना है वो करना है। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो बुक दिया है, एंड मात्र 15 लेक्चर्स में, मात्र 15 लेक्चर में हमने इको कंप्लीट करके दिया है। 15 लेक्चर, 40 मार्क्स, आप समझ सकते हैं। टाइम का भी बचत है, कॉन्सेप्चुअल भी हमने स्टडी किया और एग्जाम ओरिएंटेड भी हमने स्टडी किया। न सिर्फ एफएम, इको का भी पेपर 100% वर्ड टू वर्ड सेम आया है। इवन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे वो भी सेम आए हैं। एफएम का आप देखिए, क्वेश्चन आया है एब्सोल्यूट एडवांटेज का, सुगर एंड राइस और प्रोडक्टिव ऑफ लेबर, एब्सोल्यूट एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज। सेम हम अगर अपने बुक की बात करें तो आप देख सकते हैं, यहां पर हमने क्लोथ एंड वीट्स लिया था, एब्सोल्यूट एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जहां बच्चे इको में डरते हैं, उसमें हमने बुक में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और 1-to-1 क्वेश्चन नंबर आपको एनालिसिस में मैच करके दिया हुआ है। डेफिनेटली आप एनालिसिस जरूर देखिएगा। और एक थ्योरी क्वेश्चन में आते हैं, लेट से हम कोई थ्योरी क्वेश्चन में आते हैं, एनी एनी थ्योरी क्वेश्चन यू कैन टेक, लाइक एक्सप्लेन मॉनिटरी कमिटी ऑफ इंडिया, एमपीसी, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ इंडिया। और आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस आपको मैं एक साथ एक बार दिखा दे रहा हूं। क्वेश्चन आया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एड वेलोरम टैरिफ, तो इसका भी हमने आपको कवर कराया था। क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैंने दिया है, बहुत आसान है। 15 लेक्चर में हम आपको कवर करके देते हैं इको का क्लास, जो कि बेस्ट है विथ प्रैक्टिकल नॉलेज, और क्लास में ही आपको बिल्कुल सब कुछ समझा देते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल कॉस्ट, सोशल कॉस्ट का भी हमने यहाँ पे दिया। एक और क्वेश्चन आया था, व्हाट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ डिमेरिट गुड, सेम क्वेश्चन आंसर, हम आपको क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिएगा, आप मेरे बुक को देख लीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन आया आपका APS और APC का क्वेश्चन आया, बहुत ही आसान। फिर क्वेश्चन है, व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, बस आपको 4-5 पॉइंट लिखना था। सेम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैंने दिया है और आप देख सकते हैं। चलो इसको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी एक बार हम देखते हैं, यहां पर कहां पर है ये देखिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, और देखिए बुक में देखिए आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। तो आप समझ सकते हैं इको एंड एफएम 100% कवर्ड है। आप प्रूफ कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बुक से, आप चेक कर सकते हैं। मैं 1-to-1 मैंने क्वेश्चन पेपर आपको एनालिसिस करके दिया है, तो अब मैं पीछे तो बुक्स को वापस नहीं ले सकता, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, 100% कवरेज 60 लेक्चर्स में बिल्कुल पॉसिबल है विद स्टॉक मार्केट नॉलेज। आपको मैं स्टॉक मार्केट नॉलेज इसलिए देता हूं क्योंकि एफएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आगे चलकर बहुत अच्छा करियर बना सकता है आपको। और हमारे स्टूडेंट सीए इंटर क्लियर करने के बाद 50,000 पर मंथ के एज एन स्टाइपेंड में काम करते हैं, उनको मिलता है। और सीए फाइनल क्लियर नहीं होता है, सीए इंटर क्लियर करने के बाद, क्योंकि उनको इतना नॉलेज हो जाता है, इतना अच्छा नॉलेज देते हैं उन्हें कि उनको फाइनेंशियली बहुत अच्छा फील होता है और फाइनेंशियल सेक्टर में वो जाना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज आपको, अगर आप फाइनेंस में अच्छा करेंगे तो बहुत सारी कंपनी आपको लेगी, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, बारक्लेज, JP Morgan, सबका ब्रांचेज इंडिया में है, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव। आप डेफिनेटली, आप अगर एफएम एंड इको आप मेरे से करते हैं तो फाइनेंशियल लाइन में आप जाने के लिए रेडी रहते हैं। अगर आपको अकाउंट्स ऑडिट वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो आप डेफिनेटली, आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म आप ही को हायर करती है, मेरे स्टूडेंट्स को 50,000 पर मंथ का इसमें स्टाइपेंड मिलता है सिर्फ सीए इंटर क्लियर करने के बाद, ठीक है। और देखिए मेरे पास मैसेज आता है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने करके रखा है। ऑफिस टाइम है 5 to 6, 50,000 स्टाइपेंड है और बैंगलोर में इनको पोस्टिंग लगा है। हमारे ये दिल्ली के बच्चे हैं, कोई कोलकाता के बच्चे हैं, देखिए अगेन इन बच्चे को भी, इन आई हैव बीन सेलेक्टेड इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग,
50,000 पर मंथ की इनको भी लगी है स्टाइपेंड। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्रेडिट स्विस में हैं, जेपी मॉर्गन में हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, और न कि सिर्फ करियर वाइज अच्छा कर रहे हैं, बच्चे मार्क्स भी बहुत अच्छा ला रहे हैं, 100 out of 100 मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, और इस बार भी एफएमई एंड इको में हमारे हाईएस्ट मार्क्स आएंगे हमारे स्टूडेंट्स के। तो आप देख सकते हैं इतना जब अगर मौका मिलता है तो प्लीज इस मौके को आप हाथ से जाने मत दीजिए। 100% मार्क्स, बोलते हैं सीए में मार्क्स नहीं मिलता, सीए में फेल हो जाते हैं बच्चे, तो भैया सीए इंस्टीट्यूट ही तो मार्क्स दे रहा है आपको, ये कोई और इंस्टीट्यूट तो नहीं दे रहा है। 100 out of 100 मार्क्स कौन दे रहा है? सीए इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है, और किसको? मेरे स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल क्लियर है। अगर प्रैक्टिकल क्लियर नहीं होगा, आज के पेपर में आपको प्रैक्टिकल क्लियर कर कर बैठना होगा। अगर प्रैक्टिकल क्लियर नहीं होगा तो आप पास हो सकते हैं लेकिन आपका करियर नहीं बनेगा, प्रैक्टिकल आपको क्लियर करना पड़ेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट मनी, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस, करियर इन इक्विटी रिसर्च। आप फाइनेंशियल में जाते हुए आप इक्विटी रिसर्च में करियर बना सकते हैं। निर्मल जैन, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्होंने अपने नॉलेज से 21,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। निर्मल जैन IIFL ग्रुप है, आप सर्च कर सकते हैं, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगेन आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर बना सकते हैं। आदित्य पुरी, अगेन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर बनाया है। आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर बना सकते हैं। रामदेव अग्रवाल, मोतीलाल ओसवाल, दे बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनके पास कुछ भी नहीं था, सीए स्टूडेंट थे और वो अब स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बन गए। इनके जो गुरु हैं वो वॉरेन बफेट जी हैं, जो दिन के 250 करोड़ अप्रोक्सीमेटली कमाते हैं, इनके गुरु हैं ये। ठीक है, बाई आइडिया, बाई LNT, इस तरह का टारगेट वो देते हैं, ये सब हम आपको क्लास में बताते हैं। तो मैं बहुत शॉर्ट में ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। मोतीलाल ओसवाल, रामदेव अग्रवाल, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन्होंने 0 रुपए था इनके पास और ये 1,000 करोड़ की इनके पास वेल्थ है, जस्ट बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लास, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ क्लास। ठीक है, और राकेश झुंझुनवाला, अगेन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, 5,000 रुपए से शुरू किया था इन्होंने, आज 15,000 करोड़ का इनके पास वेल्थ है। जस्ट नॉलेज, नॉलेज की कितनी कीमत आप सोचिए। देखिए मार्क्स भी मिल रहा है और मार्क्स के साथ आपको नॉलेज भी मिल रहा है, तो इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। अब आप वेट मत कीजिए, क्योंकि करियर वाइज अगर आपको सोचना है तो आपको आगे आना पड़ेगा। सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो फाइनेंस लाइन में जा रहे हैं, आप मिसगाइडेड ना हो, इसलिए मैं आपको बस ये सब मोटिवेट कर रहा हूं। 100% कवर्ड था, आप एनालिसिस मेरे से लीजिएगा, प्लस आप साथ साथ करियर वाइज भी सोचिएगा किस तरह से एक किसान के बेटे ने अपने फाइनेंशियल नॉलेज से 1,400 करोड़ रुपए कमाए, एंड ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बार बार हिट कर रहा हूं, एक सीए में इतनी ताकत होती है, वो मेनली सिर्फ एक अकाउंटिंग नहीं करता, वो सिर्फ ऑडिटिंग नहीं करता, वो फाइनेंस सेक्टर में भी बहुत अच्छा करता है। आप मेरी क्लास में आएंगे तो इस सारी नॉलेज मैं आपको देना चाहूंगा। ठीक है, बट इंटर के साथ फाइनल के SFM को दोनों को मिक्स करके देंगे, क्योंकि कुछ चीजें इंटर FM में और कुछ चीजें फाइनल SFM में है। इनके गुरु राकेश झुंझुनवाला के गुरु है राधा कृष्ण दमानी। ये देखिए गुरु का बहुत बड़ा रोल रहता है लाइफ में, एक अच्छा गाइड, एक अच्छा कोच आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, एक अच्छी कोच की आपको लाइफ में जरूरत है, एक अच्छी गाइडेंस की आपको जरूरत है। देखिए बुकिश लैंग्वेज बहुत जरूरी, सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए हो सकता है, लाइफ को क्लियर करने के लिए बुकिश लैंग्वेज से आपको आगे निकलना पड़ेगा। और हम अपने क्लास के नोट्स को इस तरह से बनाते हैं कि बच्चा एग्जाम तो अच्छा अपियर करेगा ही करेगा, प्लस उसको करियर वाइज भी बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड करियर में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। ये जितने भी लोग हैं, जितने भी सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जितने भी लोग हैं, फीमेल स्टूडेंट्स आ रही हैं, ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और टॉप मैनेजर्स ऑफ इंडिया हैं, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। जब आप क्लास में आएंगे, फाइनल की क्लास में जब म्यूचुअल फंड आप पढ़ेंगे, तो आपको मैं समझाऊंगा। दे अर्न्स इन करोड़, मिलिंद बारवे अगेन इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट, 25 करोड़ सैलरी। निमेश शाह 20 करोड़ सैलरी, अगेन इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप इस लाइन में डेफिनेट, प्रशांत जैन, ही इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगेन इज द सैलरी ऑफ 6 to 7 करोड़। तो आप इन सब चीजों को कर सकते हो, आप में वो ताकत है। मैं वीडियो को ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूं, आपको बस ये बताना चाहता हूं कि इस बार जो नवंबर 18 का इंटर FM का पेपर आया था, उसमें 100% हमारे बुक से कवर था। अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, अगर आपको उसकी एनालिसिस चाहिए, और अगर आपको हमारे सारे ग्रुप्स की लिंक्स चाहिए जिसमें आप अपने नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे 9911442626 में, हम आपको सारी जानकारी देंगे, आपको क्वेश्चन पेपर देंगे, उसकी एनालिसिस करके देंगे। और आपको करियर गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे ग्रुप में गाइड ज्वाइन करें, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहां पे करियर गाइडेंस डेली बेसिस पे मिलता ही रहेगा। तो जाते जाते इतना ही कहूंगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छी आपने खुशखबरी सुनाई, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, मैं सबको पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ,
इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। तो अब नेक्स्ट अटेम्प्ट हमारा नेक्स्ट टारगेट है मई 2019 एंड नवंबर 2019। तो इन दोनों अटेम्प्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा स्कोर करवाना है और इंटर क्लियर करने के बाद उनको फाइनेंस सेक्टर के बारे में बताना है। तो इंतजार किस बात की फ्रेंड्स, डेफिनेटली आइए और अपने इस करियर अपॉर्चुनिटीज को भरपूर यूज कीजिए, क्योंकि एक बार वक्त हाथ से निकल गया तो फिर बीता वक्त कभी हाथ नहीं आएगा, क्योंकि कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है, फिर यही बात याद आती है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मन के हारे हार, मन के जीते जीत, वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। अब वो वक्त आ गया है कि आपको अब कुछ बोल्ड डिसीजन अपने लाइफ में लेने हैं। बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है एफएमईको में, आपको प्रैक्टिकली चीजों को समझना है, कॉन्सेप्चुअल समझना है, और आप आराम से पास तो हो ही जाएंगे। आप 100% मार्क्स लाने का सोच सकते हैं, दोनों ग्रुप देने का सोचिए। एफएम के बदौलत आपका ग्रुप टू क्लियर करवा के मैं छोड़ूंगा, बिकॉज एफएम और इको में मैं आपको मैक्सिमम स्कोर करवा के दूंगा। वो हमारी क्लास की ऐसी कॉन्सेप्ट और ऐसे प्रैक्टिकल तरीके होते हैं, ऐसा मैंने डिवाइस किया है कि आपको कहीं भी कम से कम मार्क्स ना मिले, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो अगर अभी भी आप ये डिसाइड नहीं कर पाए कि दोनों ग्रुप देना है, तो एफएम के बदौलत आप दोनों ग्रुप में बैठ जाइए, बाकी में 40-40-40 ले आएगा, इसमें आपको 80-90 मार्क्स में सिक्योर करके आपको दूंगा। कंडीशन यही है कि आपको क्लास की बातें समझनी होगी, क्लास की बातें फॉलो करनी होगी, और फिर मंजिल दूर नहीं, फिर डेफिनेटली आप बहुत अच्छा फील करोगे और आपको ये वीडियो जो मैं बनाया हूं वो आपको याद आएगा कि सर ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया था और उसी के बदौलत मैं आज यहां पहुंच पाया हूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू वेरी वेरी मच, होपफुली फिर से मैं आपसे मिलूंगा। थैंक यू सो मच। हमारा बैच ये शुरू हुआ था तो डेफिनेटली सो मेनी गुड न्यूज वेयर देयर, हमारे बच्चों का 100 में 100 आया, हमारे बच्चों का रैंक आया, रैंक 1 आया, रैंक 3 आया, रैंक 20 आया। तो उस पॉजिटिविटी से हमारी क्लास शुरू हुई। क्लास का यही मकसद था कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ाना है, पूरे चीजों को कवर करवाना है और एक भी चीज मिस नहीं करना है। आई थिंक वो मौका आपने हमें दिया है हर चीज को पढ़ाने का, हर चीज को समझाने का, हर चीज को प्रैक्टिकली लिंक करने का, चाहे वो डेरिवेटिव क्यों ना हो, चाहे वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो, चाहे वो कॉल बायर बनना क्यों ना हो, चाहे वो अलाहाबाद बैंक का कॉल बायर पोजीशन क्यों ना हो, चाहे वो विप्रो का पुट बायर पोजीशन क्यों ना हो, हमने हर चीज को अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकली लिंक किया है। साथ साथ हमने आपको मोटिवेट किया कि आप डीमैट अकाउंट खुलवाइए और एटलीस्ट 500 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहिए। आई थिंक इतना भी अगर हमारा सीए का बच्चा कर लेता है तो आप सही मानिए मंजिल दूर नहीं है। वो कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो ये बैच मेरे लिए एक मेमोरेबल बैच रहेगा। इस बैच में आपने मुझे पूरा मौका दिया है डिटेल में पढ़ाने का, प्रैक्टिकली पढ़ाने का और हर चीज को लिखवाने का। हर चीज हिंदी में मैंने लिखवाया, हर चीज का कॉन्सेप्ट बना के करवाया, हर क्वेश्चन होमवर्क के मैंने आपको क्लास में करवाया, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा बर्डन नहीं दिया आप लोगों को, अननेसेसरी जो बर्डन लोगों को अदर क्लासेस में मिलते हैं वो बर्डन हमारी क्लास में नहीं थी। एक रिलैक्सिंग वे में हमने कॉन्सेप्ट को डिराइव किया और कॉन्सेप्ट को समझा। मैं इस बैच में उम्मीद रख रहा हूँ कि सारे बच्चे रैंक होल्डर बने और सारे बच्चे 100 में 100 लेकर आए। सी
ये फाइनल के अंदर सर से बेटर कोई हो नहीं सकते। ऐसा मैम, ऐसा सब्जेक्ट, इतना टफ सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग से लगा कि कैसे होगा कैसे होगा, इतने अच्छे सर ने पढ़ाया कि अब वो भी बहुत इजी लग रहा है। तो इन शॉर्ट सब कुछ कहूँ, हिंस SFM, हिंस आदित्य जैन सर। आपको कोशिश करते रहना है जिंदगी में, इससे पीछे नहीं हटना, क्योंकि बहुत सारे कोशिशों के बाद आप सक्सेस आपको मिलेगा, आपको पहली ही ट्राई में सक्सेस नहीं मिलेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। सर ने मुझे मेरे प्यार से मिलवाया, फाइनेंस का भूत मुझ पर चढ़वाया, एडल वाइस में मेरा काउंटर खुलवाया और मुझे कंपनीज का शेयर होल्डर बनाया। अब दिन भर इन्वेस्ट करता हूँ अमाउंट और हमें जो मिलेगा हम जैसे अभी हम लोगों को आपने पढ़ाया, आगे जाके और लोगों के भी, जो और भी फाइनल के स्टूडेंट होंगे, उन सब को भी ऐसे ही ज्ञान देते रहना। जो आगे बढ़ता है वही आगे बढ़ता है, पीछे नहीं मुड़ के देखना है, हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग आपको रहना है। फॉरवर्ड एवर, बैकवर्ड नेवर। लाइफ में कभी भी कोई तकलीफ ना आए, हमेशा आपको एक सुनहरा मौका मिले, जिंदगी में आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिले। आप हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि एक्चुअल में एंड ऑफ द डे में आपकी मुस्कुराहट ही आपको आगे लेकर जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी।